विशा और ये है आपका अपना द शेफ शो, जिससे कि इतने टाइम से हम आपको मजेदार मजेदार से रेसिपी सिखाते आ रहे हैं, उसी तरह इतने मुबारक महीने यानी रमजान में इतना अच्छा महीना है तो उसमें आपकी दस्तरखान की रौनक भी बने हुए। तो जैसे कि कल हमने पहली रेसिपी अपलोड की थी चिकन टिक्का समोसे की। अच्छा, चिकन टिक्का समोसा में एक सीन हो गया और बड़े मजे का सीन नहीं था, बहुत गलत सीन था। चिकन टिक्का समोसे में ये सीन हुआ कि मैंने जो है चिकन टिक्के समोसे बनाए थे, वैसे जो है मीट मैं खुद परचेज करके आती हूँ, लेकिन कल इमरजेंसी में मैं मीट चिकन का लेना भूल गई थी, तो मैंने अपनी मदर को कहा लेके आ जाए। अच्छा, मैंने उनको कीमा तो बोल दिया, लेकिन कौन सा कीमा लाना है उनको मैंने नहीं बताया। तो खैर, वो ना बीफ का कीमा ले आई थी और बस मैं आती हूँ, पूरा प्रेप रेडी होता है और बनाती हूँ और चली जाती हूँ, बाकी सारा समेटना समाटना दोनों मेरे जो भाई हैं वो कर रहे होते, तो मुझे बिल्कुल रेड पता नहीं होता कि प्रेप किस तरह रेडी हो। मैं बस रेसिपी दे देती हूँ कि ये चीज़ लाइनअप करनी, वो लोग सब कुछ खुद करते हैं, मुझे खुद कुछ भी नहीं करना होता। तो गलती मेरी थी कि मैंने चेक नहीं किया। सेकेंडली, तो ये हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया कि मैं कल पूरी रेसिपी में चिकन 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 कर रही थी, लेकिन वो चिकन नहीं था, वो बीफ का कीमा था। खैर, आज हम वाकई में बीफ की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बीफ टिक्का सॉरी कीमे के समोसे हम बनाने जा रहे हैं। तो कीमे के समोसे आज हम बनाने जा रहे हैं, तो क्यों ना चले रेसिपी कार्ड की तरफ। तो जनाब चलते हैं अब हमारी रेसिपी की तरफ। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करनी है। बस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून ही है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छा, रोजे चल रहे हैं, गर्मी बहुत है, तो रोजे के बाद अफ्तारी के टाइम में ज्यादा पानी पिया भी नहीं जाता और पीना भी नहीं चाहिए, तो रोजे के बाद पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें, क्योंकि एक दिन में 8 ग्लास पानी पीने का होता है और रमजान में हम लोग कम ही पानी पी पाते क्योंकि रोजा होता है। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने थोड़ा सा सौते किया है। अच्छा, जैसे प्याज की क्वांटिटी जो है आधा किलो कीमे में 2 किलो प्याज आती है, लेकिन मैंने जो है आधा किलो कीमे में 1 किलो प्याज यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जॉब करनी पड़ रही थी, बहुत सारी। मैंने तो नहीं की, मेरे भाई ने किया, वो फिर मुझे छोटा थोड़ी कि क्या तुमने मुझे बना दिया अपना असिस्टेंट। तो खैर, मैंने 1 किलो प्याज चॉप की है और इसी के साथ, अच्छा ये 1 किलो प्याज है, बाहर के हम समोसे खा रहे होते हैं ना, उसमें इतनी प्याज गली हुई होती है और बनने के बाद देखेगा जायका भी सेम वही आना है। बाहर जगह तो इससे भी ज्यादा ऐड कर रहे होते हैं। आज का हमारा पहला सबक कि बाहर के समोसों में प्याज बहुत होती है और हम बनाए कीमे के समोसे में, बाहर की क्या घर के समोसे में भी हम इतनी ही प्याज ऐड करते हैं। तो वैसे तो 2 किलो जानी थी आधा किलो कीमे में, लेकिन मैं 1 किलो यूज करी। अब इसको अच्छी तरह सौते करना है, अच्छी तरह सौते करेंगे, सॉफ्ट करेंगे प्याज, मतलब अच्छी तरह प्याज को ना, ये प्याज पकनी है, भुनेगी अच्छी तरह। आज भी मैं लेंस वालों के लड़के के साथ, मतलब इन लोगों को मुझे शेफ कुकिंग के टाइम पे शेफ कोर्स में देखने की इतनी आदत हो गई है, आज मैंने ऐसी सोचा कि आज शेफ को साइड पे रखती हूँ, थोड़ा सा तैयार शायद हो जाता है, मजा आएगा यार, थोड़ा सा अलग लुक आएगा। तो मेरा भाई मुझे कह रहा है क्या बन के आ गई हो तुम, सही होते भाई बहनों का ऐसी कमेंट करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने एक बार बोल दी कि आधा किलो कीमे में मैं 2 किलो चॉप प्याज यूज करती, लेकिन मैं 1 किलो यूज कर रही हूँ। अच्छा, ज्यादा प्याज इस वजह से यूज करते हैं जैसे कीमा ना पक के बुझ जाता है, भुन के बुझ जाता है, यानी कम हो जाता है, इतना कीमा लोगे बन के इतना हो जाना है वो। इसी तरह से मैंने प्याज ली तो इतनी है, लेकिन इसी तरह ये पक के इतनी सी होती है, यानी जब इसकी अच्छी तरह भुनाई होनी है, एक चीज भुनती रहेगी, पकती रहेगी, पकती रहेगी, तो वो पक के बुझ जाती है, यानी कम हो जाती है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है।
तो खैर ये बात मैंने बतानी थी, वरना सब बोलते हैं कि क्या सीन है 2 किलो प्याज वाला। लेकिन घरेलू जो है, जो घर में काम करती हैं, जो बनाती हैं, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। और अच्छा, कोई भी तेल जो छोटी छोटी होती है मैं उस वजह से देती हूँ। कुछ होती हैं लड़कियाँ जो नई नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं, यूट्यूब से सीख रही होती हैं, जैसे कि आजकल अगर चीज़ का सही इस्तेमाल करें ना तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। यूट्यूब पे आपको सब मिल जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी रेसिपी, आपका ईटिंग, कुछ भी आप देखना चाहो अच्छा कॉन्टेंट आपको बहुत मिलेगा। तो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे मूवीज वगैरह ना देखें इस पर। तो खैर जो नई नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं खासतौर पर, वो जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, अपने ससुराल वालों को मज़ेदार मज़ेदार से खाने बनाना चाहती हैं, तो उनको भी इन छोटे छोटे पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अम्मी को फोन ही करते, अम्मी क्या करना है, रेसिपी तो बताते हैं, इतना मज़े के बनाती थी आप। तो वही सीन है, इस वजह से कुछ चीज़ें मैं छोटे छोटे पॉइंट इस तरह बता देती हूँ। और रेसिपी में बीच में बताते बताते ना भूल जाती हूँ, जैसे मैं टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ, उसकी क्वान्टिटी कम ज़्यादा बता देती हूँ और डालती प्रॉपर। तो बीच में ऐसा होता है कुछ चीज़ मुझे कम लगती है, मैं बाद में भी ऐड करती हूँ। तो जब भी मैं इस तरह रेसिपी बनाने से बेहतर मैं रेसिपी कार्ड ऐड करना मुनासिब समझती हूँ। उससे ये होता है आप भी ऐसे ले लेते हैं, स्क्रीन शॉट लेके रख लेते हैं। बाकी इस तरह मैं आपको बता रही थी, मैं यही चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मुझसे बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, जैसे कि प्याज अच्छी तरह सौता हो चुकी है, वापस क्वान्टिटी देखिए कम हो गई है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। कीमा डाल के मैं इसके मसाले ऐड करके बस इसको भूनूंगी, पकाऊंगी। जब कीमा पक जाएगा दैन हम इसको फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा जी, अच्छा अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कीमा। अच्छा जी, जिंदगी आसान हो गई इसमें मैंने डाल दिया, वरना उसमें मुझे बड़ी मुश्किल हो गई थी। खैर हो जाता है ऐसे भी कभी कभी। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। इतना जबरदस्त इसमें हाथ चल रहा है, उसमें तो हाथ ही नहीं चल रहा था, इतना मुश्किल हो गया था। अच्छा ये देखिए, प्याज बिल्कुल कीमे में मिक्स हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा होगा प्याज ज्यादा कीमा कम है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ब्लैक पेपर, क्रश चिली चॉप कर दी थी, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर के समोसे बीच से तोड़ते हैं ना, यही कलर निकल के आता है। आप खुद बताएं, पता चल रहा है इसमें कीमा ज्यादा है या प्याज। अच्छा जी, जैसे कि पूरी रेसिपी हो गई है रेडी, बस इसने भी मिक्सी जाना है, ऐसी मैं भूल गई थी डालना, सामने रखा था मैं, लेकिन फिर भी भूल गई थी। अच्छा जी, जैसे कि
हमने थोड़ी सी फीलिंग जो है वो साइड पे निकाल ली और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए मैंने छोड़ सकी, थोड़ी सी कसर जो रह गई उनको जो है बाकी तो फ्राई जब मैं करूँगी इसमें पूरा हो जाएगा। तो इसको हम वॉन्टन का शेप दे रहे हैं। अच्छा सॉरी, पैक करने में ना थोड़ा सा मसला होता है तो मैं फीलिंग रखने से पहले ही लगा लेती हूँ इसके ऊपर लई, आटे की लई से मैं इसको पैक करूँगी। सेंटर में थोड़ा सा कीमा होता है एंड देन जिनसे हमने मांडा पट्टी ली है उन्होंने शेप बच्चों को सही काट के नहीं दिया, इसके लिए हम जो है ज़्यादातर रोल का जो साइज होता है ना मांडा पट्टी का साइज होता है 2x2 का। अच्छा ये देखिए ये ना छोटे से बन गए, 1 बाइट समोसा, 1 बाइट वॉन्टन, आप इसको समोसे का भी शेप दे सकते हैं। तो भाई जनाब जब बुराई आती है ना तो एक साथ ना 3-4 चीजें साथ लेके आती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमें हमारी कढ़ाई तंग करी थी हमने वो चेंज करके हटे ही है। मैंने कहा जल्दी से कीमा ना थोड़ा सा और कुक हो जाए तो मैंने उसको हल्की आंच करके छोटे मैं ना मांडा पिट्टी से शेप बनाने लगी वॉन्टन वगैरह के और उसको कट, क्योंकि मांडा पिट्टी बड़ा तंग करी आज और इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना खराब उन्होंने शेप दिया, इतना समझाने का भी कोई फायदा नहीं होता कभी कभी। तो खैर ऐसे तैसे करके हमने उसको काटा पीटी करके हमने शेप दे दिए। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। और अच्छा अचानक ये क्या हो गया, हुआ ये कि गैस, कराची है बॉस, गैस जाना मस्ट है, ऐसा हो सकता है गैस ना जाए। तो खैर गैस चली गई, रमजान हो सारी हो सहरी कुछ भी हो रहा है गैस ने जाना ही है। तो गैस चली गई है, तेल अच्छी तरह गरम हो गया, अब बस हमने इसको फ्राई करके जल्दी से निकाल लें और प्लेटिंग करके फिर हमारी आज की रेसिपी भी कंप्लीट है। तो जल्दी से हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा ऐड करते हुए ना हाथ एकदम नीचे रख के छोड़ दो, ऐसा नहीं कि डर के मारो फट डालो छीटो छल के आ जानी है, बहुत केयरफुल होके काम करना चाहिए वरना आपकी छोटी सी मिस्टेक ना आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है, खासतौर पे ऑयल के काम में। तो बिल्कुल भी पहले तो आपने घबराना नहीं है, चाहे आपको ऐसे भी काम करना पड़े। तो भाई जैसे कि इतनी जद्दोजहद के बाद फ्राई हो गया है, जद्दोजहद लेकिन बड़ी मेहनत से बने, ये इतनी मेहनत तो कभी नहीं की मैंने। खैर अल्लाह अल्लाह करके बन गए और बहुत मज़े के फ्राई हुए हैं। कलर आप लोग को देख, आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर कितना प्यारा है। अच्छा बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेल में हमने फ्राई नहीं किया, गैस सिलेंडर का ये फ़ायदा हुआ, तेल जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना हमने डर के मारे उसकी ना आँच हल्की रखी थी, फ्लेम हमने हल्का ही रखा था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो खैर फ्राई हो गए, और ये रायता ना मेरी अम्मा ने इसके अंदर ना, रायता ना मेरी अम्मा ही अच्छा बना सकती है, मैं नहीं बना सकती। खैर उन्होंने इस रायते में इमली का पानी ऐड किया है और असल में ना मुझे लग रहा था कि ना कीमा शायद थोड़ा कच्चा रह गया, गैस चली गई है, रही है हल्की आंच में हमने फ्राई किया तो उस वजह से ना अंदर जो कीमे में हल्की सी कसक रह गई थी ना वो भी कंप्लीट हो गई है, मतलब वो अच्छी तरह पक गया और खाने में जाएगा मजे का आ रहा है। तो एक मिनट पहले मैं एक समोसा खा लूं। तो भाई ये रेसिपी बहुत मजे की बनी है, समोसे बनाए, बना के फ्रीज करें क्योंकि एक मिनट बैड मैनर्स में आ जाता है, बताइए। हाँ तो
समोसे बनाए और बना के फ्रीज करके रखे हैं। मैंने आप लोग को कहा था कि एयर टाइट बॉक्स में आप इसको फ्रोजन आइटम को एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रखें। उसके अलावा आप इसको 3 हफ्ते तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको यानी पैक करके रखते हैं और जो रूल्स होते हैं फूड सेफ्टी के अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपका जो मटेरियल है, आपका जो फ्रोजन आइटम है, वो ख़राब नहीं होगा। आप उसको 4 हफ्ते भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमारी वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा टेस्टिंग करते हैं। मैं इतना बता दूं, मैं ये रमज़ान की रिकॉर्डिंग मैं पहले से करके रख देती हूँ। ये मत समझिए कि मैंने अफ्तारी कर ली है, क्योंकि रोज़ा नहीं है। ये रिकॉर्डिंग मैं पहले से करके रख रही हूँ रमज़ान की, ताकि आप लोग को डेली कोई एक अच्छी अच्छी रेसिपी मिले। और उसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मज़ा आया हो तो फीडबैक देने की कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आके आप DM भी कर सकते हैं, अपनी फेवरेट रेसिपी बता सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।